सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 में, और आज मैं बताऊंगा कि SBI PO मेंस को क्रैक कैसे करना है, क्या करना है स्मार्ट वर्क में कि आपका SBI PO मेंस निकल जाए। पहले तो सारे बच्चों को बधाई जिन्होंने एग्जाम निकाला, और मैं पहले बोल दूं कि 70% जर्नी आप कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है ना। अब सिर्फ 30% बचा है। आप बोलोगे 70%, बिल्कुल, क्योंकि जो प्री है ना, अगर प्री एक बार किसी बच्चे का क्लियर हो जाए तो फिर तो मेंस तो बहुत ईजी है, और अगर आप इस पे स्मार्टली वर्क करते हैं ना मेंस एग्जाम में तो आपका निकल जाएगा। लेकिन हाँ, स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, वो करना कैसे मैं बताता हूं, ठीक है ना। और हाँ, जिन बच्चों का नहीं निकला बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सिर्फ माइंड में आप एक चीज रखो, वो क्या, सिर्फ एक चीज कि अभी आपके पास चार एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को टारगेट लेकर चलो, ठीक है ना। माइंड में कहीं ना कहीं चारों चीज को बैठा लो, क्या क्या है वो, RRB एंड IBPS, इसके PO क्लर्क, इसके PO क्लर्क, ये चार एग्जाम में एक एग्जाम आपका है, ये सोच कर चलो, और स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है ना। इसकी भी मैं स्ट्रेटेजी बता दूंगा, तैयारी करवा दूंगा IBPS SBI PO के बाद। और हाँ, जो बच्चे भी बैंक ऑफ बड़ौदा के नोट्स वगैरह, मैं बार बार बोला था GA बहुत डिसाइडर है, जो बच्चे भी अभी भी ग्रुप में ऐड नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसके थ्रू ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। और आते हैं आज के टॉपिक में कि SBI PO क्रैक कैसे करना है मेंस, ठीक है ना। देखो, आपके पास तीन टॉपिक है ना, क्या क्या है आपके पास टॉपिक, क्या क्या है पहले बताओ। देखो, इंग्लिश, ठीक है, उसके बाद मैथ, सॉरी, उसके बाद पहले लेते हैं रीजनिंग को, फिर मैथ पे आते हैं। रीजनिंग, मैथ, और सारे बच्चों को पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है वो कितने हैं, 155, ठीक है, और टाइम कितने हैं, टोटल 3 आवर्स, और टाइम डिवाइड है सेक्शन वाइज, ठीक है ना। और जो लास्ट सेक्शन, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वो क्या है, जनरल अवेयरनेस, ये डिसाइडर होगा कैसे, मैं बताता हूं। देखो, और सबसे पहले इंग्लिश पे आता हूं, और एक बात, प्रीवियस कटअप क्या था, कितना सेव अटेम्प्ट होगा, ये सब बिल्कुल सोचना ही नहीं है। अगर थोड़ा भी माइंड में ये चीज आता है ना कि कितना सेव अटेम्प्ट होगा, कितना कटअप प्रीवियस था, उसके अकॉर्डिंग मुझे अभी कितना अटेम्प्ट करना है, ये सब अगर थोड़ा भी माइंड में आए ना, तो विश्वास मानिए आप 100% में 50% वहीं आप अपनी जो अपॉर्चुनिटी है वो खो देंगे। So, वो चीज माइंड में भूल से भी आप मत लाना, ठीक है ना, वो चीज लानी नहीं है, वो भूल जाओ, वो बिल्कुल नहीं लाना है, ठीक है ना। अपना एग्जाम से पहले बेस्ट देना है एफर्ट, एग्जाम के टाइम जाएंगे अपना बेस्ट देकर आएंगे, बाकी बच्चे क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। अरे वो एग्जाम देंगे, उनके रिजल्ट आएंगे, उससे मुझे क्या मतलब, मैं पढ़ूंगा, मैं स्कोर करूंगा, मेरे रिजल्ट निकलेंगे, जरूरी तो नहीं वो जो करे मैं वो करूं और जो मैं करूं वो करे, ये तो बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। तो अपना बेस देना है एग्जाम से पहले, ठीक है ना। और देखे, इंग्लिश है ना, इंग्लिश में आपको क्या करना है, सिंपल सा काम करना है। देखो, पैसेज तो आएंगे, ये तो फिक्स्ड है कि पैसेज आने हैं। अगर आप बोलो कि पैसेज नहीं आएगा तो मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं, पैसेज तो आएंगे, दो पैसेज हो सकते हैं, ठीक है ना, हो सके 20 नंबर का। और इंग्लिश में टाइमिंग क्या है, इंग्लिश में जो टोटल क्वेश्चन है वो कितने हैं, 35, ठीक है, टोटल क्वेश्चन 35 है, टोटल क्वेश्चन 35 है, और 35 क्वेश्चन करने के लिए आपको नंबर कितने मिलेंगे इंग्लिश में, 40, और टाइम कितना मिलेगा आपको इसको करने के लिए, आपको टाइम भी मिलेगा 40, ठीक है ना। क्वेश्चन 35 है, नंबर 40, और टाइम भी आपके पास 40 होने वाला है। रीजनिंग में क्या है, रीजनिंग में टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, 45, नंबर, टाइम, जो टाइम है शायद 60 मिनट है, हाँ टाइम 60 मिनट है, और जो नंबर है वो कितना है, 60, नंबर भी 60 है इसमें। अब मैथ की बात करूं, 35 और 60 नंबर है और टाइम 45 मिनट्स है, ठीक है ना।
और जीए में जो क्वेश्चन नंबर और जो टाइम है वो कितने कितने हैं, 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं जीए सेक्शन में, 40 नंबर के और 40 मिनट टाइम आपके पास है, ठीक है ना। और आपको करना क्या है, देखो मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूं, आपको तो पता है कि दो आरसी आएंगे, हो सके मे बी क्लोज टेस्ट आप उसको ऑप्शन में रखो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि क्लोज टेस्ट आपको देखने ना मिले इंग्लिश में, ठीक है ना। न्यू पैटर्न के डबल फिलर्स या ऑड वन आउट वन ये मिल सकता है, ठीक है ना। तो आपको यहां से करना क्या क्या है, देखिए टाइम तो बहुत ज्यादा है, 40 मिनट अगर मैं आपको बोलूं 40 मिनट में एक पैसेज कर लो सही सही, तो बाकी सारे बच्चे बोलेंगे भैया वो तो 20 मिनट बहुत एनफ है, ठीक है। तो आप एक पैसेज पिक करना, एक पैसेज, ये नहीं कि दो पैसेज करना है फटाफट, नहीं, स्मार्टली वर्क करना है, इसपे स्मार्टली वर्क करना है, एक पैसेज ही उठाना, ठीक है ना, एक पैसेज उठाए उसको किए अच्छे से पढ़कर करना, बहुत टाइम है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, 6 या 7 अटेम्प्ट किए सही सही, ठीक है। डबल फिलर्स न्यू पैटर्न वाले अगर आ गया, न्यू पैटर्न के डबल फिलर्स अगर आ गया तो 5 ये भी करना है, ठीक है ना। तो आप यहां पर टाइम कितने दिए, एक पैसेज में, चलो 20 मिनट देते हैं, 20 मिनट तो इनफ है ना, सारे बच्चे एग्री करेंगे 20 मिनट में एक पैसेज कर लेंगे, ठीक है। न्यू पैटर्न डबल फिलर आ गया, सपोज कर लो आ गया, या फिर क्लोज टेस्ट, ठीक है ना, ये भी कितने, 5, इसको मैं आइदर में रख रहा हूं, दोनों में से एक, ये किए आप, ये किए कितने मिनट में, चलो इसके हम देते हैं 7 मिनट, चलो ठीक है, 5 सम करने में 7 मिनट, ठीक है। अब देखो ऑड वन आ रहा है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये आए, बहुत ज्यादा चांसेस है, तो ये 5 नंबर आएंगे, इसको करने में आप कितना दोगे, 10 मिनट, चलो 10 मिनट दिए, ठीक है, आप 5 अटेम्प्ट किए यहां पर भी, तो देखो कितने आप कर लिए, 20 मिनट में 6-7, 7 मिनट है 5, 10 मिनट है 5, इतने ही कर रहे हैं, तो कितने हो गए, 7, 5, 12, 12, 5, 17। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको 17 नहीं करना है, आप सपोज कर लो 17 अटेम्प्ट किए सही सही एग्जाम के टाइम में, आप 17 अटेम्प्ट सही सही किए, ठीक है ना, 17 में आप मान लो आपके 12 सही हुआ, 5 गलती हो गया, इतना टाइम देके अच्छे से पढ़कर सब करकर 17 अटेम्प्ट किए, लेकिन सही कितना हुआ, 12, चलो 5 लेस कर देते हैं, सपोज कर लो 10 ही सही हुआ पूरा मिलाकर, 12 में 2 चला गया निगेटिव मार्किंग में, मतलब 10 नंबर के मार्क्स सही हुए, अच्छा 10 अटेम्प्ट करोगे और तो कितना नंबर आएगा, सपोज कर लो 10 अटेम्प्ट सही सही हुआ, 12 नंबर आए, सही किए थे 12, लेकिन 10 क्यों पकड़े, क्योंकि 2 नंबर तो निगेटिव में जाएगा, जो 5 गलती हुआ 17 में, चलो लेस कर दिए, 10 सही हुआ, 10 में 12 नंबर आपके आए इसके इंग्लिश में। अब आते हैं हम रीजनिंग में, रीजनिंग में कुछ नहीं करना है आपको, रीजनिंग में स्मार्टली वर्क करना है, रीजनिंग में करना क्या है, देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर और टाइम दिया हुआ है, क्वेश्चन 45 है, देखो पजल, मैं बोलूं सिर्फ पजल पे आप वर्क करो, अगर आप बोलते हो भैया सिलॉस कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन ब्लड रिलेशन सब भूल जाओ, सब कुछ आप भूल जाओ, ये सब नहीं आने वाला है, ये सब आप भूल जाओ, मैं बोलूंगा आप ये सब भूल जाओ, ये सब क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है ना। आप सिर्फ पजल पे वर्क करो, सिर्फ पजल के ऊपर, देखो पजल और ये क्या है, स्टेटमेंट एंड एंजप्शन, स्टेटमेंट एंड एंजप्शन वो तो फिक्स्ड है, ये भी आपको 10-12 देखने मिलेंगे पक्का है, देखो और यहां पर भी आपको स्मार्टली वर्क करना है, मैं एग्जाम से पहले 10-12 पजल करवा दूंगा और ऑलरेडी मैंने 18-19 पजल करवाया है, मतलब टोटल 30 पजल आपको देख लेना, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा लास्ट में कि करना क्या है आपको फाइनली, ठीक है ना। देखो आपको पजल कितने कर रहे हैं, आपके पास टाइम कितना है, 1 घंटा, बाप रे 1 घंटा टाइम है, पजल करना कितना है और पजल पिक कौन सा करना है, पजल वो पिक करना है जिस पर आपका कमांड अच्छा है, जिस देखो लिनियर फ्लोर सर्कुलर
ब्लड ब्लड वाला सर्कुलर से रिलेशन वाला, फिर बॉक्स पजल, ये सारे पजल तो आएंगे आएंगे, फिक्स्ड है ये तो फिक्स्ड है। लेकिन आपको दो पजल फिक्स करना है, किसी बच्चे का फ्लोर वाला अच्छा है, ठीक है चलो फ्लोर वाले उठा लिए, सर्कुलर चलो सर्कुलर उठा लिए, दो हो गया। किसी बच्चे का लीनियर अच्छा है, चलो लीनियर उठा लिए। किसी का बॉक्स अच्छा है, चलो बॉक्स उठा लिए। वो आप पिक कर लेना, दो पिक कर लिए, दो पजल करना है, दो एक घंटे में दो पजल करेंगे। कितना टाइम दिए? 40 मिनट, 40 मिनट दीजिए दो पजल में, 40 मिनट दो पजल में दिए, नहीं करना ज्यादा, हमको जरूरत ही नहीं है, दो पजल करेंगे 40 मिनट करेंगे। स्टेटमेंट एंजेक्शन 10-12 क्वेश्चन रहेंगे, मैं करवा दूंगा इसको बैंक ऑफ बड़ौदा के एग्जाम से पहले, हो सके कल ही करा दूं इस टॉपिक को। सपोज कर लीजिए अगर आपको ये चीज समझ में आ गया ना, तो बाकी जो 20 मिनट बच रहा है उसमें से 5 क्वेश्चन करना है, सिर्फ 5। 20 मिनट में कितना क्वेश्चन करना है आपको? सिर्फ 5, सिर्फ 5। तो कितने हो गए? दो पजल यानी 10, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, 7-7 करके भी आ सकते हैं, चलो 10 ही मानते हैं, और ये 5 15 कर लिए। अब ये मत बोलना कि भैया पजल में भी तो एक दो गलत हो सकता है ना, नहीं, एक पजल गलती हुआ यानी सारा पांचों का पांचों पजल गलती हो गया। सो मैं क्या बोल रहा हूं, अपना स्ट्रांग जो पॉइंट है जो पजल का फ्लोर लीनियर वो पिक करो दो, तो दो पिक किए 10 सही, 40 मिनट टाइम दिए यार, 40 मिनट बहुत ज्यादा है। अब देखो स्टेटमेंट आंसर 5, चलो यहां मानते 4 सही किए, मतलब 14 सही किए आप 14 सही किए, चलो 14 सही किए, 14 में से कितना आपका नंबर उड़ गया? चलो 14 का अगर मैं बात करूं 18 नंबर, चलो आप यहां से 18 नंबर उठा लिए रीजनिंग में, चलो कोई बात नहीं, 14 सही हुआ, 18 उठाए, यहां पर 10 ज्यादा नहीं करना है, अरे ज्यादा नहीं करना है, मैं बता रहा हूं क्यों नहीं करना है, मैं बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। देखो मैथ में तो सिर्फ आप सब भूल जाओ कुछ आ रहा है, भूल जाओ कि कुछ है, आप सिर्फ माइंड में रखो कि मेरे पास क्या है DI, और इसको करना कैसे स्मार्टली मैं बताता हूं। देखो कितना भी हार्ड DI हो करना कैसे, देखो आपके पॉकेट जो है ना, पॉकेट में कितना नंबर चाहिए? 15 नंबर। मैथ में कितना चाहिए? 15 नंबर। पहले वो सेव करते हैं, उसके बाद मैथ से लड़ेंगे हम। तो करना कैसे, देखो स्मार्टली, अगर आप एक DI देखिए, देखो सारे के सारे DI रह सकते हैं, 35 के 35 क्वेश्चन मे बी पॉसिबल, लेकिन नहीं तो 30 तो रहेगा ही रहेगा, और 5 क्वेश्चन सीरीज वगैरह प्रोबेबिलिटी से मिलाकर रहे हो सकता है, लेकिन सारे क्वेश्चन DI से रहेंगे बहुत ज्यादा चांसेस है, जो SBI के पास्ट में जितने भी एग्जाम हुए यही देखने को मिला है। तो DI की बात करूं ना, तो सपोज कर लो एक DI है, और लेकिन इसमें आपको कितने सही करने हैं, कितने सही करने हैं? अरे नहीं चाहिए भाड़ में जाए 35 नंबर क्वेश्चन, हमको सिर्फ 10 सही करना है। और अब 10 सही, अब 10 अगर सही कर दिए ना, तो विश्वास मानिए आउट ऑफ 100 अगर बच्चे मेंस एग्जाम दे रहे हैं ना, तो आप टॉप 20 में है। 20 बच्चे भी 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते इसमें, और 10% बच्चे भी 14 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते रीजनिंग में, और 10 क्वेश्चन भी इंग्लिश, 10% बच्चे भी 10 क्वेश्चन सही नहीं कर पाते इंग्लिश में। तो आपको करना स्मार्टली वर्क है, DI में 10 क्वेश्चन सही कैसे कर रहे स्मार्टली, वो करना कैसे देखो। एक DI देख लिया, एक DI आपके पास आया स्क्रीन पर, उसको पढ़ने में कितना टाइम लगेगा समझने में? 3 मिनट 4 मिनट लगा। आप वहां से क्या करो ना, दो क्वेश्चन करो जो इजी है उस DI में, दो क्वेश्चन, चलो एक DI को पढ़े, पढ़ने के बाद दो क्वेश्चन किए, ठीक है, पढ़ने में लगा हमारा 3 मिनट, और दो क्वेश्चन करने में लगा 3 मिनट, ठीक है, मतलब 6 मिनट में दो नंबर हम गेन कर लिए, ठीक है। अब बाकी जो क्वेश्चन आने वाला है, पता है आपसे वो हो जाएगा, हमको पता है कि वो क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, लेकिन अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, अरे ये तो हो जाएगा, डाटा ऐसे करना है, वहां से लेना है एवरेज, फिर डिवाइड करेंगे, वो करेंगे, आंसर तो निकल ही जाएगा, सिंपल है। अरे उसमें ही तो टाइम लगेगा, DI अगर मैं बोलू सारे बच्चों को करने के लिए, सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन होते कैलकुलेटिव है, तो आपको फंसना नहीं है, दो नंबर लेके निकल जाना है, निकल गए, अब क्या करना है, नेक्स्ट DI में जाओ, वहां से भी दो नंबर उठाओ, निकल जाओ, फिर नेक्स्ट DI दो नंबर निकलो, निकल जाओ, 5 DI उठाए 25 नंबर का, सब में से दो 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 इजी वाला पिक किए, कितने हो गए? 10 सही हो गए, 10 सही हो गए, मतलब क्या, 10 करेक्ट DI आपके पॉकेट में, मतलब आप सेफ साइड में हो,
और करने में टाइम कितना लगा, करने में टाइम कितना लगा, 30 मिनट, 3 मिनट क्वेश्चन समझने में पूरा आराम से करना, बिल्कुल नहीं टेंशन, बहुत टाइम है और सिर्फ 10 सही करना है, ज्यादा सही नहीं करना, सिर्फ 10 क्वेश्चन सही करना है, ठीक है ना, सिर्फ 10 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, और 3 मिनट आपको पढ़ने में, 3 मिनट करने में, 2 हो गए, हो सके टाइम बहुत कम लगे, 3 मिनट भी ना लगे करने में, लेकिन मैं 3 मिनट दे दिया हूं इजी वाला। तो आप 10 नंबर कर लिए, 10 सही सही कर लिए, ठीक है ना, तो 10 सब सही सही कर लिए कितने मिनट में, 30 मिनट में, 3 6 मिनट में 2 DI, सपोज करो 6 मिनट में 2 क्वेश्चन कर रहे हो, 6 6 6 करके 30 मिनट में 10 क्वेश्चन, चलो आपके पास टाइम कितना बचा, और 15 मिनट, अब जाकर लड़ाई करते हैं कि और मैं क्या कर सकता हूं, बाकी सारा DI तो पढ़ा ही हुआ है, चलो 15 मिनट में 2-3 DI और कर लेंगे, और 2-3 DI कर लेंगे, मतलब 12 DI, मतलब 45 मिनट में क्या किए, 12 DI किए, और नंबर कितना उठा, 15, 12 DI से, ठीक है ना। और आप वो गलती मत करना कि 5 DI उठाएं और फिर 5 को करने लगे, 1 में फंस गए, फिर आगे 5 उठाएं फंस गए, फिर तो यही चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं, कर नहीं पाते हैं 10, 1 DI गलत हुआ मांगे सारा गलती हो गया, तो वो नहीं करना है आपको, सोचना है कि मैं एग्जाम में जाऊंगा 10 DI ही करूंगा, क्योंकि 10 नंबर उठा लिए सेफ साइड, उसके बाद देखते हैं अब किससे लड़ना है, अब कितना कैलकुलेटिव है उसको 15 मिनट में, फिर 15 मिनट में 2 या 3 कर, 15 मिनट बहुत टाइम है यार, स्मार्टली वर्क करना है, 12 DI किए 45 मिनट में, यहां पर 60 मिनट में सिर्फ 2 पजल और 5 एंसर्स, बस यहां 45 मिनट में 20 मिनट में 1 पैसेज, न्यू डबल फिलर्स या क्लोज़ आता है तो 7 मिनट में 5 और ऑड वन 10 मिनट में वो, तो देखो 20 30 37 मिनट हुए, अभी भी आपके पास 3 मिनट बच रहा है, तो चलो इसको 13 मिनट कर देते हैं, 13 मिनट ठीक है ना, 13 मिनट करते हैं, तो आपके स्कोर कितने हो गए, अब ये थोड़ा काउंट करो आप, 13 ठीक है, 18 31 प्लस 15 कितना, 46 हो गया। पता है एक बात, SBI PO के एग्जाम में ना ये 46 3 सेक्शन मिलाकर ना, जो बच्चे का एग्जाम निकलता है ना, जिस बच्चे का एग्जाम निकलता है मेंस का, वो इतना मार्क्स लाते हैं, इससे कम ही लाते हैं, ये बहुत ज्यादा है, तो स्मार्टली वर्क करना है आपको। और लेकिन डिसाइडर क्या है, डिसाइडर क्या है, ये वाला डिसाइडर है, और इसके लिए मैं अपना बिल्कुल बेस्ट दे रहा हूं, मैं मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसके अंदर से आ जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत तो करना पड़ेगा, अगर स्टेट बैंक के ऑफिसर ग्रेड की जॉब की ड्रीम देख रहे तो ठीक है ना। तो मैं स्टैटिक जी के भी सारे नोट्स जितना भी सब कुछ है सब कुछ दे दे रहा हूं अपने ग्रुप में, क्योंकि रिसेंट में मेरा वेबसाइट हैक हो गया था, सो बहुत अर्जेंट बनाना पड़ा फेसबुक ग्रुप, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा NICL असिस्टेंट के एग्जाम है रिसेंट में, और साथ साथ कुछ दिन के बाद देना बैंक और स्टेट बैंक के भी एग्जाम है। अगर यहां पर आप 35 क्वेश्चन सही सही करते हो ना, तो कितना नंबर होगा, चलो 25 तो भूल जाओ, 25 तो भूल जाइए, आप यहां पर सही किए कितना, 22, तो 25 मार्क्स हो गए, ठीक है ना। मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं जो नोट दे रहा हूं ना उसके अंदर सारे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। तो 25 क्वेश्चन हो गए, तो 25 नंबर हो गए ना यहां से, 22 किए 25 नंबर, अब 46 प्लस 25 कितना होता है, 71। ये मैं हाई लेवल का बता रहा हूं, अगर ऐसा आ गया इजी आ गया तो बहुत और इजी होगा, और मुझे पक्का पूरा उम्मीद है कि थोड़ा टफ होगा इस बार स्टेट बैंक, तो इतना ही स्मार्टली वर्क करना है आपको। और मैं बता दूं कि प्रीवियस ईयर का जो कटअप था ना जनरल का वो 70 था और ओबीसी का 60, एसटी एंड एससी का भी 60 था, तो अगर आप 71 स्कोर करते हो ना तो वो बहुत अच्छा मार्क्स है, और आपके पास स्मार्टली वर्क करना है। आप ये बिल्कुल मत सोचो कि कटअप क्या है, अगले बार का कितना सेव अटेम्प्ट है, ये मत सोचना प्लीज, ये गलती तो आप करना ही मत। अब आपको करना क्या है, ये पता चल गया कि भैया बोल दिया कि इतना करना है स्मार्टली वर्क करना, अब करना क्या है, आप ग्रुप में ऐड हो जाओ और 2-3 दिन के अंदर ये चार्ट जाओ पूरा जितना नोट दिए चार्ट गए, उसके बाद पढ़ने के बाद क्या करना है, पढ़ने के बाद करना क्या है, आपको सिंपल वर्क करना है, डेली टेस्ट देना है, एक तो स्पीड टेस्ट लगाना ही लगाना है, कुछ भी हो जाए स्पीड टेस्ट मैं लगाऊंगा ही लगाऊंगा कुछ भी हो जाए।
ठीक है ना। और स्पीड टेस्ट लगाने के बाद करना क्या है, स्पीड टेस्ट जैसे एग्जाम में इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, घर में भी वैसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो स्पीड टेस्ट का। चलो भैया का डाटा माइंड में है, भैया बोले थे ये अटेम्प्ट करना है, चलो स्पीड टेस्ट लगाते हैं, वही टेक्निक वही माइंड को लेते हुए लगा रहे हैं। चलो हो सके फर्स्ट स्पीड टेस्ट में आपके 40-45 टूटे, कोई बात नहीं, डरना नहीं है। अब क्या करना है, कंप्यूटर बंद नहीं करना है, जाकर एनालाइज करना है कि एग्जाम से पहले मैंने सोचा था कि दो पजल करना है 40 मिनट में अपना, वो भी अपना स्ट्रांग वाला, उसमें पजल छूट क्यों गया, छूट क्यों गया, क्या कुछ हार्ड था, क्या क्या था। सेम सारे पैटर्न को एनालाइज करना है। जैसे आप एग्जाम में बैठते हो ना, तो एग्जाम में बैठने से पहले सोचते हो ना, मुझे ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक ये टॉपिक करना है। अब एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद अरे यार वो छूट गया, पता नहीं क्वेश्चन क्या था, वहां तो अफसोस करके फायदा नहीं है, वहां तो अफसोस करने फायदा नहीं है। जितना भी अफसोस करना है, अपने आप को जज करना है, जितना भी एफर्ट देना, घर में देते हैं, घर में लगा दो। एग्जाम में जाना है एक बार में अपना मास्टर स्ट्रोक करके आना है, मतलब बेस्ट शॉट, एग्जाम में अपना बेस्ट शॉट देना है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार पांच छह सात आठ नौ दस, कम से कम एटलीस्ट 15 स्पीड टेस्ट दो। 15 स्पीड टेस्ट में अपने आप को जज करो हर एग्जाम के बाद कि मैं कितना इंप्रूव हो रहा है, सेमेंटिक क्रॉस हो रहा है क्या, सेमेंटिक क्रॉस हो रहा है क्या, सेमेंटिक क्रॉस हो गया। जिस दिन 60 क्रॉस होने लगे ना, समझ जाओ आप रेडी हो एग्जाम के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए आप रेडी हो, प्रिपेयर हो अच्छे से। सो स्पीड टेस्ट डेली देना है, और पर डे एग्जाम के बाद आपको एनालाइज करना है कि क्या गलती था क्या सही था एग्जाम के बाद, ठीक है ना। सो एग्जाम अच्छे से देना, और हाँ अपना बेस्ट देना, और डिस्क्रिप्टिव वाला मैं 2-3 दिन के अंदर टॉपिक भी बता दूंगा, और करना कैसे मैं वो भी बता दूंगा 2-3 दिन के अंदर, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का एग्जाम बहुत सामने 27 को। सो अच्छे से करना, और एक डीआई एक पजल तो डेली करवाऊंगा ही करवाऊंगा, कुछ भी हो जाए हाई लेवल का, जिससे सारे बच्चों के हेल्प हो सके। और हर डीआई में मैं गाइड भी करूंगा कि कौन सा डीआई आपको पिक करना है स्टेट बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, और कौन सा डीआई आपको स्किप करना है। सो एग्जाम अच्छे से देना, इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, सो प्लीज थोड़ा आप लोग मेहनत करिए, एंड थैंक यू एवरीवन।